हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। मैंने बैक इन न्यू वीडियो। देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन कोर्सेज की वेबसाइट बनाई है, जहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो जो है कोई भी यूजर आके वहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज जो है देख सकता है और कोर्सेज जो है वहाँ से कर सकता है। तो जैसे ब्राउज कोर्स पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे जो है मेरे कोर्सेज की आ गई है, ठीक है, ये टॉप रेटेड कोर्सेज। तो इस तरीके से जो आपको कैसे एक ऑनलाइन कोर्स की जो है वेबसाइट क्रिएट करनी है, वही अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखिए, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है वेब होस्टिंग की और डोमेन नेम की। जो दोनों जो है आप डोमेन रेसर से ले सकते हैं, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ। लेकिन गाइस, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज के अगर आप कोर्सेज की कोई वेबसाइट बना रहे हो, जहाँ पे आप अपने कोर्सेज अपलोड कर रहे हो, ठीक है, काफी वीडियोज आप वहाँ पे डाल रहे हो, तो उसके लिए गाइस आपको जरूरत पड़ेगी LMS होस्टिंग की। अब LMS भी जो एक टाइप की होस्टिंग होती है, तो वहाँ पे जो है गाइज, अगर आप कोर्सेज वगैरह अगर आप डाल रहे हो तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। LMS की जो फुल फॉर्म होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब गाइज, इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, तो गाइज अगर आप डोमेन रेजिस्टर पे लेते हो तो आपको ये काफी चीप प्राइस पे मिलेगी। और गाइज यहाँ पे जो है सर्विसेज भी काफी अच्छी है, और जो है कस्टमर सपोर्ट जो है 24/7 अवेलेबल है, तो सब कुछ जो है यहाँ पे काफी अच्छा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ शायद आपको डोमेन रेजिस्टर पे आना चाहिए, और डोमेन रेजिस्टर से ही जो है कोशिश करें कि आप यही से ही होस्टिंग खरीदे, क्योंकि आपको यहाँ पे काफी चीप प्राइस में अच्छी LMS होस्टिंग मिलने वाली है। तो गाइस, LMS होस्टिंग के जो आपको फायदे है वो ये होने वाले हैं। पहली बात तो यहाँ पे जो है प्रीमियम वीडियो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसकी वर्थ जो है $49 है। लाइव वर्चुअल क्लासेस विद जूम इंटीग्रेशन आपको मिल जाता है। क्रिएट एंड सेल ऑनलाइन कोर्स, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं गाइस। तो ये काम आपका काफी इजी कर देगा कि आपको जो है एड्स जो है काफी इजीली आप अपने जो अगर आपकी ऑनलाइन कोर्सेज की वेबसाइट है, और अगर गाइस वो कोर्सेज जो है आप फ्री में जो है एक्सेस करना चाहते हैं कि आप जो है फ्री में उनको दे, लेकिन आप फिर भी मनी अर्न करें, तो गाइस यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, ठीक है। आप जो है कोर्सेज को सेल भी कर सकते हो, ठीक है, और ठीक है, तो सारी चीजें जो गाइस यहाँ पे अवेलेबल है। कंस्ट्रक्ट ऑनलाइन क्विज गेम्स एंड पार्टिसिपेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद में वन स्टॉप LMS सॉल्यूशन, ठीक है, तो काफी इजी इसको यूज करना। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें मिल सकती है, जैसे आपकी YouTube ब्रांड का नेम आप वीडियो में डाल पाओगे LMS होस्टिंग के द्वारा। नॉन रिलेवेंट एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे आ जाएंगे। सजेस्टेड रिलेटेड वीडियो सजेशन भी आपको मिल जाएगा। प्रीमियम वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, हालांकि अभी के लिए अवेलेबल नहीं है इसमें, तो फिलहाल के लिए अवेलेबल है नहीं वो। नो ब्रांड लोगो है, फुल प्रीमियम क्वालिटी है, कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, एडवर्टाइजिंग नहीं है, नो सजेशन, और न्यू वीडियो प्लेयर प्लस सिक्योरिटी, ठीक है, तो उसके बाद में सिक्योरिटी भी मिलेगी और अच्छा वीडियो प्लेयर आपको मिलेगा विद सिक्योरिटी, ठीक है। एंड गाइस, प्रो की अगर मैं बात करूँ तो प्रो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइस, इसके अलावा आपको क्या क्या रिसोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे, इसमें लिखा हुआ है कोर्सेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं, असाइनमेंट, जूम मीटिंग, सेल मेंबरशिप, आप मेंबरशिप सेल कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर किसी ने मेंबरशिप लिया तो जितने भी कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज जो है आपके एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, जब तक मंथली मेंबरशिप है जब तक सारी जितने भी कोर्सेज सबको वॉच कर सकते हैं, या अलग अलग कोर्सेज के जो है आप अलग अलग चार्जेस ले सकते हैं, ठीक है, तो दोनों चीज दोनों तरफ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, होस्टिंग। और गाइस देखिए, मैं आपको क्यों बोलता हूँ आपको डोमेन रेसिंग से लेना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर आप नॉर्मल किसी से लोगे तो वो काफी कॉस्टली पड़ता है, लाइक $109 पर ईयर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको 40% ऑफ मिल जाता है, ठीक है। और गाइस, सर्विस बैकअप जो है गाइस यहाँ पे है और काफी में नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे में नहीं होता है, हालांकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सब वेब होस्टिंग में नहीं होता है, बट बहुत सी वेब होस्टिंग में नहीं होता, बट डोमेन रेसर आपको वो भी दे रहा है। और गाइस, डोमेन जो प्राइसिंग है काफी लो है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ डोमेन रेसर आपको बहुत चीप प्राइस पे काफी अच्छी जो है होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। LMS सॉफ्टवेयर गाइस यहाँ पे प्राइवेट वीडियो प्लेटफॉर्म गाइस यहाँ पे आपको $49 पर ईयर देने पड़ेंगे दूसरे में, लेकिन यहाँ पे डोमेन रेसर पे जो है फ्री मिलेगा। लाइव स्पीड टेक्नोलॉजी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सेटअप वीडियो ट्रेनिंग, एक्सेप्ट पेमेंट जो है इजिली कर लेगा, और इंस्टॉलेशन का जो है लोवेस्ट चार्जेस है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे आपके पास दो तरीके के ऑप्शन है, एक तो है अगर आप सिंगल वेबसाइट लेते हैं तो उसमें जो है अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा, LMS लाइसेंस मिलेगा, फ्री SSL प्लस लाइट स्पीड मिलेगी, प्राइवेट वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन गाइस अगर आपको पांच, यानी कि अगर आप जो है पांच पांच वेबसाइट आपकी ऑनलाइन कोर्सेज की चल रही है तो गाइस आप ये वाला ले लो, लेकिन अगर आपको एक ही लेनी है तो गाइस आप बाय नाउ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस इनकी सर्विसेज जो है 24/7 अवेलेबल है, ठीक है, तो गाइस आपको यहाँ से बाय नाउ कर देना है, और ये गाइस आपका जैसा शॉपिंग कार्ट में जाएगा। फिर गाइस यहाँ पे आपको अपना कोई भी नाम दे देना है, ठीक है, जैसे मैंने नाम दिया SJ WordPress, ठीक है, अपने साइट का, फिर चेक करना है क्या उस नाम का डोमेन अवेलेबल है, फिर उसके बाद में आपको जो है डोमेन खरीद लेना है यहाँ से, ठीक है, डोमेन भी खरीद लेना है, और फिर होस्टिंग जो है आपको यहाँ से कंटिन्यू जो है कर देना है। इसके अलावा गाइस आपको क्या क्या उसमें चाहिए वो सब कुछ आपको सेलेक्ट कर लेना है कि क्या क्या फीचर्स आपको चाहिए, ट्विटर, LMS प्रो, प्राइवेट वीडियो सोल्यूशन, क्योंकि प्राइवेट वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे फ्री मिल रहा है, ठीक है,
तो ये आप इसको एड ऑन कर लो, ठीक है। तो आपको इसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी और होस्टिंग पर जाएंगे तो इसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो है फ्री मिलेगा डोमेन से। ट्विटर LMS प्रो भी गाइज आपको देखिए यहाँ पे 0.0 USD एनुअली बता रहा है, तो ये भी आपको फ्री मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपको LMS सिस्टम सेटअप चाहिए तो उसके लिए आपको $19 और एड करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ सिलेक्ट करके जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके बाद में गाइज अब जो है आगे स्टेप करते हैं, ठीक है। तो ये सी पैनल जो है अब यही से ही जो है हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस पे आना है, और यहाँ से सीधा आपके पास ऑप्शन है यहाँ से इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आपको इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इजी सा प्रोसेस है, वैसे इसमें टाइम लगेगा नहीं। तो इसको हम जो इधर से इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल ना, और गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो डब्ल्यू पे आपकी डायरेक्टरी जो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपकी जो डायरेक्टरी जो है इसको मैं जो है आप कुछ भी मत डालिए, क्योंकि गाइज यहाँ पे आप जो भी डालोगे ना वो जो है फिर समझ जाओ आप, यानी कि मान लो आपकी साइट है www.shubhamjangiri.com, लाइक मेरी साइट है www.7datetech.com। तो 7datetech.com के बाद में अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी में डब्ल्यू पी डाल रखा है, कुछ भी वो डालने लगा है, तो स्लैश लगा के मुझे वो चीज़ जो है डालनी पड़ेगी, उसके बाद में जो है मेरी साइट जो है गाइज वो खुलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी मत डालो, ठीक है। इसको जो है आपको ब्लैंक रखना है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे जो है लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। हर एक चीज़ है यहाँ पे, आपको अपनी साइट का नाम रखना है। यहाँ पे मैं अभी क्योंकि सिखाने के लिए तो इसलिए मैं सेम दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस चीज़ से रिलेटेड आपकी साइट है। यहाँ पे आपको अपना एडमिन यूजर नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे गाइस आपको अपना ईमेल डालना है, ठीक है। अभी के लिए मैं ईमेल को ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। सो आई विल बी लाइक मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम टू सेम पास डाल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। एंड एडवांस ऑप्शन से यहाँ पे, तो ये गाइस आपकी जो है टेबल प्रीफिक्स है, तो ये आपका ध्यान रखिए डेटाबेस का नेम है, ठीक है। यहाँ से आपका अपना डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके डेटाबेस का नेम है जिसका नाम मैं लिखूंगा WP ओनली, ठीक है। और इसके अलावा गाइस अगर आप अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल को अगर आप डिसेबल करना चाहते हो, ऑटो अपग्रेड कि वर्डप्रेस के प्लगइन जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिक आपकी थीम जो है अपडेट हो जाए, तो ये है। और यहाँ पे गाइस बैकअप जो है आप ले ले, ठीक है। तो ये बैकअप जो है मान लो वन से मंथ जो है बैकअप लेता रहे, बैकअप का रोटेशन जो है कितनी बार हो, ठीक है। तो ये जो है अनलिमिटेड कर दीजिए इसको। और अब गाइस यहाँ से जो है आपको जो है ये थीम इंस्टॉल कर ले, ये वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपनी इंस्टॉल अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल हो गया तो उसकी डिटेल जो है आपको पता चल जाए इंस्टॉल होने के बाद में, तो यहाँ से आप जो है अपना ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं, और जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको पता चल जाएगा कि आपके ईमेल पे जो है मैसेज आ जाएगा कि वो जो है इंस्टॉल हो चुका है, बट ऐसा कौन नहीं करता है, तो आप इसको रहने दीजिए। और यहाँ से कहते हैं इसको इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो वो ईमेल पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं ईमेल जो है कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। एनी वे 11, ठीक है, @sj.com, ठीक है। कैन पुट एनी थिंग, ठीक है, ये ले लेगा इसमें, तो इंस्टॉल कर दिया है मैंने। तो गाइज ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गाइज ये दो आ चुके हैं, एक है गाइज जो हमारी साइट दिख रही है, और दूसरा जो है जहाँ से हम जो है अपना जो है चेक कर सकते हैं एडमिन पैनल, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम चेंजेस कर सकते हैं एडमिन पैनल से, और यहाँ पे गाइज जो अभी हमारी बेसिक वर्डप्रेस की जो साइट इंस्टॉल हुई है, तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ से आ गई है। तो गाइस देखिए ये दोनों जो है, ये तो मेरी साइड अभी ऐसी बनी है, और ये जो है हमारा एडमिन पैनल है। तो हमको जो भी काम करना है वो जो गाइस हमको जो यहाँ से करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या क्या करना है यहाँ से। तो ये है गाइस वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और अब यहाँ से क्या करना है, अपेयरेंस पे आके थीम्स पे आना है, और इस पर एड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। एड न्यू पे क्लिक कर दिया मैंने, और यहाँ से जो है हमें हमारी थीम ढूंढनी है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये थीम है आपकी कौन सी, कैडेंस, ठीक है। तो कैडेंस को हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, तो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक हम वेट करते हैं, देखिए गाइस ये थीम इंस्टॉल हो चुकी है, और अब ये जो है एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। तो एक्टिवेट हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, एंड लीव। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल कैडेंस स्टार्टर टेम्पलेट, इस पर क्लिक करना है, और अब यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे वो आ गए, ठीक है। पहले पेज बिल्डर, ये हम एलिमेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप मैंने एलिमेंटर सेलेक्ट कर लिया है, और अब हमारे पास देखिए काफ़ी सारी साइट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। तो एलिमेंटर पे ये कुछ, और अगर हम चाहेंगे तो उनको इधर से भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग है दोनों के लिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि दो पेज बिल्डर है, तो दोनों पे अलग अलग यहाँ पे कुछ हमको टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है हम ये टेम्पलेट ये देख रहे हैं। अब यहीं से ही जो है हमें हमारी साइट्स जो है क्रिएट करनी है, ठीक है। एलिमेंटर पेज बिल्डर भी यूज कर सकते हैं,
और गुटनबर्ग भी जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो है आपके लिए अवेलेबल है। तो यहीं से ही जो है आपको अपनी साइट जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इसको एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। और अब यहाँ पे जो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना जो वेबसाइट आप बना रहे थे ऑनलाइन कोर्स की, उसको ढूंढना है। तो ये है ऑनलाइन कोर्स की वेबसाइट का टेम्पलेट, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो हम थीम लेंगे, अब देखिए ये कलर क्या है, जम नहीं रहा है इस थीम पर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जो है चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे ये कलर जो है बेटर लग रहा है कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, ये भी जो है इतना अच्छा जा नहीं रहा है, ठीक है। ये फिर काफ़ी लाइट हो जाता है, तो ये जो कलर है हम इसके साथ जाएंगे, ठीक है। आप भी यहाँ से अपने हिसाब से थीम ले सकते हो। फिर उसके बाद में क्या करना है, फुल साइड इंपोर्ट कर दो। बाकी ये जो है आपके पास फॉन्ट का ऑप्शन है, अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये डिलीट प्रीवियसली इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड इमेजेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रीवियसली इंपॉर्टेंट जो भी उसको डिलीट कर देगा, स्किप स्टार्ट इंपॉर्टेंट। तो ये अब क्या करेगा, उसको पहले वाला अगर कुछ भी अपलोड होगा तो उसको डिलीट करेगा, और अब जो है नए वाले में कुछ भी टेम्पलेट है तो वो अच्छा है, यहाँ से जो है इसको इम्पोर्ट कर देगा। पुराने वाले अगर कुछ भी वहाँ पे इम्पोर्टेड है तो उसको हटा के सब कुछ इधर इम्पोर्ट करने वाला है। तो देखिए हमारी साइट कंप्लीट हो चुकी है, इम्पोर्टेड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, फिनिश्ड व्यू योर वेबसाइट। तो ये देखिए हमारी वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है। लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, और यहाँ पे देखिए कोर्सेज के कितने सारे यहाँ पे कोर्सेज है, अनलिमिटेड एक्सेस, ठीक है। तो आपको कोर्सेज वगैरह ये सब कुछ जो है किस तरीके से डालना है ये भी मैं बताऊँगा। तो देखिए अब पॉपुलर सब्जेक्ट जैसे ब्लॉकचेन, सी प्रोग्रामिंग, डेवऑप्स, डेंजो, फुल स्टैक डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्रामर, इटेलियन, जापानी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस एनालिसिस, कॉरपोरेट फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, फाइनेंस लिटरेसी, लीडरशिप, एरोस्केप इंजीनियर। तो ये इसी चीज़ों के जो यहाँ पे कोर्स है, यहाँ पे कैटेगरीज जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स है, तो ये सब कुछ जो है आपको लैंग्वेजेस, डेटा साइंस, पर्सनल साइंस, डिजाइन, मार्केटिंग, कल्चर, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन इन का ऑप्शन है यहाँ पे, कि अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से, बट ये बटन जो है आपको अब लिंक करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से करना है। जैसे यहाँ पे कोर्सेज लिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है कौन कौन से कोर्सेज है, ठीक है, जैसे ये कोर्सेज है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स है, इसके प्राइस जो है इतनी सारी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोर्सेज है, ठीक है। अब जो क्या करते हैं, हम हमारे एडमिन पैनल पर जाते हैं और हमको देखते हैं हमको और क्या क्या प्लगइन्स यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। एनीवे, सो यहाँ पे देखिए फ्लुएंट फॉर्म्स का है, और ये देखिए अब हम क्या करते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं अभी के लिए हमें, ठीक है, तो इसको हम वैसे ही रहने देते हैं। बट किस तरीके से जो एडिट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज पे आते हैं, हमारी साइट को कैसे एडिट करना है, ठीक है। कस्टमाइज़ पे आते हैं, और कस्टमाइज़ पे आके यहाँ पे जनरल के अंदर आपको कुछ एडिट करना है, जैसे लेआउट के अंदर आपको कुछ एडिट करना हो तो उधर से कर सकते हो, साइड बार को आप एडिट कर सकते हो, कलर्स अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो उधर से आप कलर्स फिर से चेंज कर सकते हो, बटन फिर ही आ जाता है यहाँ पे बटन्स। तो देखिए ये बटन्स हमारा कुछ इस टाइप का है, बट अगर आप चाहते हो नहीं बहुत ज़्यादा रेडियस देना तो बहुत ज़्यादा रेडियस आप दे सकते हो, बट आई वॉन्ट ओनली नॉर्मल 50, ठीक है, तो ये ठीक है एनीवे। एंड ये बटन शेडो वगैरह अगर आपको करनी हो तो इधर से आप कर सकते हो, फिर टाइपोग्राफी आप इधर से चेंज कर सकते हो, फिर ये स्क्रॉल टू टॉप, फिर सोशल लिंक। तो जैसे मान लो आपका फेसबुक का अगर आपको लिंक अटैच करनी है ट्विटर या इंस्टाग्राम या यूट्यूब वीडियो, तो आप इधर से कर सकते हो परफॉर्मेंस, ठीक है। तो साइड के जैसे पेज होते हैं फेसबुक, ट्विटर पेज या इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, तो आप यहाँ से सोशल लिंक्स के थ्रू वो पोस्ट कर सकते हो। फिर यह हेडर, यह फुटर गाइस, और यह हेडर, ठीक है, तो इनके बारे में कब बता चुका हूँ, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर ये पेज लेआउट है, तो पेज आप किस तरीके का चाहिए, इन कंटेंट चाहिए, अबाउ कंटेंट चाहिए, या स्टैंडर्ड फुल विथ कंटेंट, तो ये सारा है, ठीक है, कैसे चाहिए, नॉर्मल, नैरो, फुल विथ, बॉक्स, टॉप ओनली अनेबल, शो फीचर्ड इमेज, ठीक है, या शो कमेंट्स, तो ये दोनों का आपको ऑप्शन मिलता है इधर। फिर यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट, फिर साइट आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे अपना साइट टाइटल, लोगो वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे डिज़ाइन, मान लो मुझे यहाँ पे टाइटल में माई ब्लॉग की जगह माई वेबसाइट करना है, तो मैं माई वेबसाइट कर देता हूँ, ठीक है। Anyway, my WordPress website, even tagline में आई कैन यू दिस वन, और बाकी लोगों वगैरह आप इधर से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से जो क्या करना है, आपको सीधा यहाँ से पब्लिश कर दो इसको, और फिर ये यहाँ पे नेविगेशन वगैरह, ठीक है, इस टेक्टर तो पब्लिश कर दिया इधर से, एंड फिर यहाँ पे आपके विजेट सी या होम पेज सेटिंग, एडिशनल CSS या कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। Anyway, सो ये हो गया हमारा इधर ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, जैसे कोर्स लिस्ट है इसको कॉपी करेंगे, और ये जो हमारा जो होम पेज है इस पर कुछ बटन्स है, तो उन बटन्स को डायरेक्ट हम लिंक कर देंगे इधर, ठीक है। कैसे करना है ये बताता हूँ मैं, एडिट विद एलिमेंटर पे जाइए, पहले साइट सेटिंग पे आना है आपको, नहीं आपको साइट सेटिंग सिर्फ आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है,
ठीक है, एंड ये इस तरीके से एडिट होगा। ये देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन है ब्राउज कोर्स का, कोर्सेज का, तो इसके ऊपर क्या मैं लिंक दे दूँगा वो वाली, ठीक है, तो ये अपडेट कर देंगे इसको, इधर से लिंक देंगे। और वन मोर देखिए, ये तो व्यू ऑल कैटेगरीज, तो इसका हमसे ज्वाइनिंग, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों अब जो है हमें बटन काम करेंगे, वन गेट स्टार्टेड, इस पर जो है हम कोई और लिंक देंगे, ठीक है, जैसे कि होम की ले सकते हैं। देखिए एक तो हमारा जो है एडमिन पैनल जो है काफ़ी सही ढंग से हो नहीं रखा है, ठीक है, तो हम उसको सही करेंगे। जैसे होम जो है इधर क्या कर रहा है भाई, इसको तो इधर होना चाहिए ना, अबाउट का बिल आ रहा है, तो लेट्स गो एंड वी विल गो बैक टू कस्टमाइज, ठीक है। तो यहाँ से जाके जो है आप चेंज कर सकते हो, हमको आना है मेन्यूज़ में, सीधे जाएंगे साइड आई मेन्यूज़ में, और यहाँ से क्या करेंगे, जो ये ऑनलाइन इसके मेन्यूज़ है, ठीक है, तो इसके ये तो सब लिस्ट है कोर्स लिस्ट में, ठीक है, बट होम जो है सबसे ऊपर होना चाहिए। तो रिकॉर्डर पे आते हैं और होम को हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर ही है, बट इधर हम करते हैं एंड, ठीक है। अब ये क्या है, इससे जो है आप चाहे तो किस तरीके से आपको जो कितना गैप रखना है अपने मेन्यू के अंदर, तो ये वो चीज़ है, तो इतना बहुत है। फिर ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, किस तरीके से डिज़ाइन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, बट आई थिंक क्योंकि ये थीम के ऊपर शायद ये इधर ही सूट हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने होम इधर ही दे रखा है, तो आई डोंट थिंक सो इसको इधर से हम चेंज कर पाएंगे। तो इसके लिए हम पब्लिश कर देते हैं इधर से, ठीक है, तो इधर से इसको मैसेज रख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसमें ऊपर बताया हुआ है। एनी वे सो अबाउट होम, अब चलिए हम एडिट एलिमेंटर के थ्रू चेंज करते हैं वो, ठीक है, ये आ गया एडिट एलिमेंटर, और ये देखिए ये हमारा मेन्यू है, और देखिए अगर इसमें चेंज करना है जैसे, ठीक है, तो हमको देखिए ये सेक्शन मिल जाते हैं हमको, जैसे यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो इधर से आप कर सकते हो। फिर फीचर इमेजेस कोर्सेज, अगर इनके बारे में लिखना है कोर्सेज में क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हो, तो अपनी लैंग्वेजेस में आप लिख दो कोर्सेज क्या है, फिर यहाँ पे क्या क्या किस किस टाइप के कोर्सेज जो है आप करवा रहे हो, फिर यहाँ पे कैटेगरीज है, तो इन सबको यहाँ पे कर दो, ठीक है। स्टार्ट लर्निंग एंड ग्लोरी विथ न्यू कम्युनिटी, ठीक है, इस तरीके से जो है आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर लोगोस डाल दो, यहाँ पे स्टार्ट गेटिंग न्यू नॉलेज एंड यहाँ पे गेट फुल एक्सेस, तो यहाँ पे कोर्सेज के बारे में लिख दो, ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, ईजी है एंड काफ़ी वैसे, तो यहाँ पे बेसिक ही ऑनलाइन कोर्सेज की साइट अप बना पाओगे कैंडिडेट्स के थ्रू। बाकी आने वाले और कुछ अलग अलग थीम्स आएंगी जिसके थ्रू मैं काफ़ी एडवांस लेवल पर आपको एक अच्छी ऑनलाइन कोर्स की वेबसाइट बताने वाला हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए क्योंकि हम कैडेंस पे काम कर रहे हैं, तो कैडेंस के लिए नॉर्मल जो एक ऑनलाइन कोर्स की वेबसाइट है वो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, की वॉचिंग माई वीडियोज। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी की अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं, तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा, तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है इसीलिए, तो यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो, और गाइस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है, तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।